योगी सरकार ने 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर दोबारा उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई है। जहां योगी सरकार ने 100 दिनों का एजेंडा तय किया था, इसी मुद्दे पर राजधानी लखनऊ के सरोजिनी नगर क्षेत्र के विधायक राजेश्वर सिंह ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है, ये आपको भी सुनाते हैं। कि कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, सरकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि हमने बेहतर काम के जो भी हमने संकल्प लिए थे वो सारे पूरे कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा। योगी सरकार के पिछले 100 दिनों में माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। 800 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उनकी जब्त हो गई है, हजारों अपराधियों को जेल भेजा गया है, शिक्षा के उसमें स्कूल चलो अभियान में और तेज़ी लाई गई है, ऑपरेशन कायाकल्प को और अच्छा किया जा रहा है, किसानों के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं, बेटियों को स्कूटी दी जा रही है, ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, हर क्षेत्र में। और योगी आदित्यनाथ जी जिस स्पीड से काम कर रहे हैं और जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा बहुत जल्द। ईडी ने आज अब्दुल्ला आजम खान को बुलाया है, कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत बात है। ईडी बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करती है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना और ईडी जो है नियंत्रण में काम करती है, कानून के दायरे में काम करती है, जो भी काम करती है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एजेंसियाँ उसके ऊपर देखती हैं, कोई गलत काम नहीं करती। सर जी, विधानसभा में क्या बैनप्रूफ काम है जो काम करने वाले हैं जिसका आपने लक्ष्य बनाया है? जल भराव को दूर करना है, जल भराव को दूर करने के लिए निरंतर नई योजनाएँ बना के सबमिट हुई हैं, नालों की बड़े मेजर रूप से सफाई हो रही है और नई योजनाएँ सबमिट हुई हैं, एक उसको दूर करना है, स्कूलों को अच्छा करना है, युवाओं के रोजगार के लिए कार्य किया जा रहा है, हर युवा को रोजगार दिलाना। आखिरी सवाल रहेगा, प्रधानमंत्री की अमृत सरोवर योजना है, आपके सरोवर क्षेत्र में एक पुराने तालाब है गुरुगुरी तालाब, उसके जीर्णोद्धार के लिए क्या कार्यक्रम करेंगे? नहीं, उसके लिए चल रहा है, उसके लिए सरकार की ओर से BDO की ओर से कार्यक्रम चल रहा है और बहुत अच्छा हो जाएगा। अमृत सरोवर योजना बहुत ही अच्छी योजना है, लखनऊ में 1 मीटर प्रतिवर्ष जल स्तर गिर रहा है, उसको ऊपर करना है, आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है, तापमान बढ़ रहा है, 1.5 डिग्री तापमान हर 2 दशक पे बढ़ रहा है, ये भी प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, विश्व के लिए अच्छा नहीं है, तो इसका खाली इलाज यही है कि जल का संरक्षण किया जाए, पर्यावरण के लिए पौधे लगाए जाएं, 35 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य है योगी जी का वो अद्वितीय है और सारे लोग सांसद जी, हम लोग सारे लोग सांसद प्रतिनिधि प्रवीण जी हमारे साथ, सब लोग मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। लखनऊ में विधायक आजम खान